इस गांव की समस्या क्या है? समस्या है कि बैठने उठने में दिक्कत है, रहने सहने राती बराती आता है, तो इसलिए सोचने पड़ता है। इसके लिए गांव में समुदाय भवन बना है? हाँ बना। तो पूरा बन चुका है? नहीं बना, पूरा हो नहीं हुआ। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है, ढलैया पलस्तारा ये सब होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। तो ढलैया बाकी है? ढलैया बाकी। किसके द्वारा बनाया गया था? रामफल मांझी। वो कौन है? विकास मंत्री। गांव में समुदाय आधारित बैठक और बारात रुकने के लिए व्यवस्था और बाहर से आए हुए लोगों को रुकने के लिए हरिनगर गांव में 16 महीना पहले एक समुदाय भवन का निर्माण किया गया था, जो कि सिर्फ दीवार ही खड़ा है और उसका ऊपर के छत का ढलैया नहीं हो पाया है। तो ढलैया नहीं हो रहा तो आप लोग का दिक्कत क्या है? अपना दिक्कत है, हमको लेकिन बच्चन के शादी होता है तो किसको घर में ले जाकर बैठावेंगे? एगो झोपड़ी है तो एक कोना में हम रहेंगे कि बराती लोग के बैठावेंगे? दिक्कत तो इतना है कि सरकार दिया या फिर उलट के नहीं देखे कि कहिया ढलाएगा। आमदी 50 गो परिवार पड़ते हैं, नाता कुटुम आता है, गाँव ने से भी तकलीफ करता है, घर के तो करता है, से करवे करता है। इतना दिक्कत है कि आमदी परेशान है। तो इस समुदाय भवन पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए आप किसी को बोले थे? किसी को हम नहीं बोले, हम तो सोचे कि विकास मंत्रा हियाँ के है तो भाई वो बनेल के तो वह ना ढालेगा, हम लोग गुप्ती रह गए। हम किसी के नहीं कहे कि भाई अपन आमदी है तो ढलवाइए देगा। आप लोग चाहते क्या? चाहते हैं ढलैया, चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। ढलैया हम लोग को हो जाएगा तो सुविधा होगा। मैं चाहता हूँ कि हरिनगर गांव में समुदाय भवन का ढलैया का जल्द से जल्द पैसा दिया जाए और वहां पर ढलैया किया जाए, ताकि कमेशी देवी की तरह और भी ग्रामीणों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो का मोबाइल नंबर 9431184489 पर फ़ोन कर समुदाय भवन ढलवाने में उनकी मदद करें। मैं अमित कुमार, गया जिला बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।